Today is your 1st October. 6 months has gone. 6 महीने आपके बिल्कुल कंप्लीटली निकल के यहाँ पर देखे ना, तो 6 महीने के अपने पिछला कोर्स भी अपना रिवाइज कर रहे हैं और अगला भी अपने पढ़ना है। एनी हाउ अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल आपके ऊपर फेंकी गई, ये देखिए दिस बॉल, ये इसको आप ऊपर फेंक रहे हैं, आपका नाम देखो दिस बॉल वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं इसको, देखिए आपका रिटर्न टू द थ्रोअर और उसके बाद फिर वापस जिसने थ्रो किया उसके पास वापस आ रही है। आफ्टर 6 सेकंड 6 सेकंड के बाद फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रो, उसके बाद आपका नाउ सेकंड मैक्सिमम हाइट, ये आपकी कितनी हाइट तक ये गई है ये भी आपको देखो निकालना है। उसके बाद थर्ड वन आफ्टर नाउ विच यू हैव टू फाइंड आउट इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। ये चीज आप फिजिक्स के जब भी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिजिक्स, फिजिक्स में जो भी आपके लिए बता रहा हूं इनको पता है आपका देखना, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बैठे आप देखिएगा गिवन, गिवन क्या दिया है आपको ना, गिवन के साथ आप उसकी यूनिट्स को भी जरूर देखिएगा। अब आप कहेंगे इसका इसमें क्या ताल्लुक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, एग्जांपल के लिए जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस आपका देखो at होता है, ये at फॉर्मूला तब लगेगा जब आप स्ट्रेट पाथ में होंगे, आपका नाम देखो दिस स्ट्रेट पाथ, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं बेटे, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका हॉरिजेंटल सरफेस। ये जो मैं चल रहा हूं आई एम वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में चल रहा हूं उस समय आप इसको हॉरिजेंटल कहेंगे, इज इट क्लियर, किसी चीज को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो दिस इज आपका, इस समय ये चेंज हो जाएगी आपका, तो ये आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। ये a जो है आपका देखो ना, दिस a इज इक्वल टू आपका नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन, और ये यहाँ पे g ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, याद रखिएगा इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों में फर्क। अब मैं यहां पे देखो गिवन में यूनिट जैसे v है, v का मतलब आपका देखो दिस इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट होती है दैट यूनिट इज अपॉन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बाय द वे कह रहा हूं आपका, बाय द वे अगर यही यूनिट आपका ना सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगी, याद रखिएगा, तो ये यू हैव टू कन्वर्ट इट, आप इसको चेंज करेंगे आपका मीटर पर सेकेंड। देखिए यू का मतलब आपका देखो, यू का मतलब आपका नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में आपका देखो नाउ ये इसमें भी आपका इसका जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सी दैट आपका नाउ कि गिवन में आपको दिया क्या उसकी यूनिट पे आप मेन आप ध्यान देंगे। जैसे ए है, ए का मतलब आपका देखो ना एक्सेलरेशन आपका हो गया, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम, इसमें जो टाइम आपका टी आपका ना होता है ये आपका सेकंड में है। अगर बाय द वे इफ इट इज गिवन इन मिनट, मिनट में और आर में अगर आपको दिया हुआ है आप क्या करेंगे मिनट और आर में इसको आपको फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकंड, इनको पता है इसलिए मैं आपको बता, बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं बता दूं। तो फर्स्ट इन एनी क्वेश्चन व्हिच इज गिवन टू यू आप पहले देखेंगे गिवन, गिवन में यूनिट्स पे आप विशेष एम्फेसाइज करिएगा, उसके बाद आपका देखो आपका व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो निकालेंगे इसमें भी आपकी यूनिट आपके दिमाग में होनी चाहिए। Keep in mind that third हमें required formula, कौन सा required यानी कि कौन सा suitable formula हमें आपका नाम इस question में use करना है या किसी any question में आपका use करना है, तो आपका required formula आपका होगा, clear हो गया। अब देखिए अब इसमें कई चीजें आप यहां पे देखेंगे कि जो understood है तो
वो भी आपका नॉन ट्रिवियल है। जैसे ये आपका जी, जी को कहते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और भाई दी ये किसी को दिया नहीं है, नहीं दिया है आपको, ये लर्न होना चाहिए। दैट इज 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद जो दूसरा जी, जी का मतलब स्मॉल, दिस इज द कैपिटल जी, इज स्मॉल जी, ये आपका नाउ दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑर्बिटेड। इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में फर्क देखिए, ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। दिस वैल्यू विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, दिस इज 6.67 × 10^-11 दिस इज कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द यूनिवर्स। बट दिस इज स्मॉल जी, इट चेंजेबल। आप यहां पे हैं अभी खड़े, यहां पे 9.8 होगा, तो बाहर आप जहां खड़े 9.08 भी हो सकता है, 9.81 भी हो सकता है। तो ये इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अर्थ आपका क्या बेसिकली स्पीयर में होता, आपका अर्थ स्पीयर में होता, फ्लैट आपका नाम। तो देखो ये आपका क्या हो गया बेटे, ये आपका दिस इज पोल, ये पोल हो गया आपका नाम। देखो दिस इज, ये आपका ईपी सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, देखिए आपका नाम। और इनको क्या कहते हैं सर, ये पोल हो गए, ये दोनों क्या है, इक्वेटर। यहां पे जी की वैल्यू आपकी क्या होगी, पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है, कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू, ये आपका मिनिमम होती है, याद रखिएगा। और ये आपका नाउ इधर डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम होती है, तो जी की वैल्यू आपकी क्या होती है, मिनिमम। पहले तो आपको क्लियर, इसका मतलब अर्थ में हम कहीं भी जाएंगे तो स्मॉल जी आपका वेरी करेगा, बहुत ज्यादा नहीं करता है। कि आपने कहा 9.8 यहाँ पे का देहरादून का कितना होगा, 9.81 हो सकता है आपका, क्लियर। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वेरीज प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल। जहां पे कोई दिक्कत होगी टेक्निकली आप बताइए। और ये पूरे यूनिवर्स में, इन द होल यूनिवर्स इट इज कॉन्स्टेंट, नाम भी इसका कॉन्स्टेंट है। इज इट क्लियर है? कोई शक है तो बताइएगा, ठीक है। अब ये पहले आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। अब आप अपने दिमाग में ये भी रखिए कि कभी न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के सर कर आ रहे हैं, उसमें और यहां में क्या अंतर आ रहा है, बिल्कुल अपने दिमाग में। अब देखिए वर्टिकली अपवर्ड, ये देखिए ये लैंग्वेज है, वर्टिकली अपवर्ड जब भी लिखा होगा, डू यू अंडरस्टैंड सर, इसका मतलब क्या हुआ जी, आई मस्ट से ये वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही है, वर्टिकल अपोजिंग द ग्रेविटी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये भी मैंने आपका अपोजिंग द ग्रेविटी आपका, चलो मैंने अगर आपकी बात पे एम्फेसाइज किया तो आपका बिल्कुल ये भी सही है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, यू टेल मी द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री फॉलिंग कहा यार, नीचे से ऊपर को फेंक रहे हैं, कुछ नहीं। तभी तो आपको कह रहा हूं कि मैं आप लोग पढ़ने में आप लोगों का, हल्द्वानी के बच्चों का जरा कमी, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, ये वर्ड जब भी लिखा होगा इसका मतलब आपका ना फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। साफ साफ लिखाया हुआ आपने, वीडियो देखा ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी आपका नाम। इसके बाद आपने बोला ग्रेविटी अपोज हो रही है, यहां पे दो फॉर्मूले आप एक साथ चला सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। अब आप करो, अगर आपका वर्टिकली अपवर्ड आपने ग्रेविटी को आपका दो, तो जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने,
इधर ऊपर फेंक रहे हैं, ये देखिए एरो ऊपर लगा है और वर्टिकली अपॉइंट का बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। एक तो फाइनल वेलोसिटी जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, ये इसका मतलब उस समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, याद रखिएगा। ये हो गया दो। तीसरा चीज दिखाऊंगा टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू आपका 6 सेकेंड। तो पहले द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन, आपको ये निकालना है। तो ये तीन चीजें आपको दी हुई है, इनकी यूनिट्स पे गौर करिएगा। एक तो ये दिया हुआ, एक ये और वो जीरो है, सेकेंड में इट्स ऑल राइट, जी आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको टू फाइंड आउट जो करना है, एक जो आपको क्या करना है वो देखिए, पहले द वेलोसिटी फर्स्ट। अब यहां पे जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी है दैट इज आपका इनिशियल, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। उसमें होगा सेकेंड द मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट का मतलब आपका एच ए जो है आपका, ये आपको फाइंड आउट करना है। और तीसरा आपका नाम इस पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड। चार सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, ये भी आपको फाइंड आउट कर लिया। एनी हो कोई नहीं, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, नहीं आएगा यू आस्क मी अप ना, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा इन एवरी स्टेप। अब आप करो, इट वॉज पहले आपने फिगर आपने ड्रॉ किया, चाहे उसकी अगर वी आर थ्रोइंग अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑलरेडी यू हैव अपना अपोजिंग द ग्रेविटी आपने लिखा। इन द सेकेंड स्टेप व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव आपका आल्सो डिनोटेड हियर। उसके बाद आपका देख लो फाइंड आउट हमें क्या करना है, ये पोजीशन आपकी हो गई। अब आपका देख लो टी रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई, याद तो कर लिया। अब आपने क्या देखना है, देखिए वो फॉर्मूला आपने देखना है जिसमें कि वी भी हो, जिसमें जी भी हो, जिसमें टी भी हो और जिसमें यू भी हो। तो ये कौन सा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। यहां पे दो चीजें हैं, याद रखिएगा आप v इज इक्वल टू u माइनस gt का इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, वेन एवर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस g माइनस ऑलरेडी है, आपको माइनस माइनस नहीं लिखना है, माइनस ऑलरेडी है तो आप सीधा सीधा 9.8 के करीब। एंड इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला तो इसमें आपका द वैल्यू ऑफ जी, जी में आप वैल्यू 9. माइनस की आप रखेंगे, दोनों का फर्क है समझ लीजिए। ये फर्क आपको ही नहीं, वो जो आपको मार्क्स दे रहा है ना स्कूल में, उसके भेजे में भी आना चाहिए कि कहीं कर मैंने तो तेरे को पढ़ाया नहीं था, तुझे ज्यादा उसको बता दो बेको कि ये अगर जब हम जी माइनस में है ऑलरेडी तो हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे। ये समझाइए आप भी, जो नए नए छोकरे आ रहे हैं ना अभी पढ़ाने के लिए स्कूलों में, नहीं है उनको इतना पता। मैंने कल भी आपको कहा था, मैं पाठकोट इंटर कॉलेज में इंग्लिश के टीचर से, जब मैंने कहा आप लेक्चरर किसके बोले इंग्लिश के, मैं अंग्रेजी में बात करने लगा तो उसने बात ही नहीं की, तो फिर क्या पढ़ा रहे भाई। कम से कम इंग्लिश के लेक्चरर है तो आपको अंग्रेजी तो आनी चाहिए, क्योंकि आपने एम ए इंग्लिश में किया होगा, कुछ तो जवाब दें आप। मेरा बीएड आपने किया हो तो फिर कहां से किया, क्या किया, ये तो आप चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो देखो v का मतलब इससे फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो, क्यों भी, क्योंकि आपने किसी ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से ऊपर को फेंकते हैं तो आपका ना उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो v की वैल्यू जीरो। u आपको फाइंड आउट करना है, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी, प्लस
ये आपका होगा जी, जी की वैल्यू देगा आपका -9.8 माइनस, अगर प्लस वाला फॉर्मूला आप रखें एन इंटू टी, टी का मतलब होता है 6, प्लस माइनस का माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस का माइनस, 8 6 48 कैरी ओवर 4, 9 6 54 54 58। यहाँ पे दो चीजें, ये जब आप इधर जाएगा देखो आपके ना, तो ये आपका 58.8 इज इक्वल टू यू, आपके पास दो मेथड है, इधर देखिए सर ये ओटी में चला गया, ओटी का मतलब होता है ऑन ट्रांसपोजिशन, तो जब ये माइनस आपका उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो U इज इक्वल टू, अब इसको स्वैपिंग कर दीजिए, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट मिला दीजिए, या तो एक आपके पास मेथोडोलॉजी है, कई टीचर कहते हैं इसको यहाँ, तो जब ये ओटी में आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इट वॉज प्लस, जब उधर जाएगा इक्वल के उधर माइनस कैसे बना करें 52.8, ये आपका ओटी में हो गया ऑन ट्रांसपोजिशन, तो माइनस से माइनस ये आपका खलास हो गया, तो U इज इक्वल टू 58.8। और इस सवाल को ऐसे मत छोड़िएगा, इसके पीछे लिखेगा मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट आपने ये फाइंड आउट कर दिया, क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो, अब आप दिमाग में रखिए, आपके पास यू भी फाइंड आउट हो गया, वी आपके पास है, जी आपके पास है, टी आपके पास है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें एच आता हो? थर्ड अपोज करते हैं, तो अपोज में क्या है? यहां पे अपोज की बात कहां से आ गई? यहां पे तो मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, मैंने कहा आइदर यू कैन यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द और या थर्ड आपका, तो बेटर कौन सा रहेगा, आपको सेकंड आप यूज करें या आपका थर्ड यूज करें, ये मैं पूछ रहा हूं। सेकंड वाला देख लीजिएगा, सेकंड ही इज आपका ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच है, का दिमाग करो ना, ये थोड़ा कि जो मर्जी आपकी आएगी आप वो चीजें बोलोगे ना, फिजिक्स तुक्के में नहीं चलती सर। थर्ड इक्वेशन है मोशन अप्लाइड, जो कन्वीनियंट हो बोला है मैंने ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, आप माइनस भी लिख सकते थे, यहां माइनस लिखेंगे तो जी की वैल्यू प्लेन 9.8 रखेंगे, और इस प्लस वाले फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो जी की वैल्यू माइनस रखेंगे, वी स्क्वायर का मतलब ए जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब 58.8 का स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, यू गड़बड़ तो नहीं आ रहा, चेक करो जरा जल्दी से, सवाल देख लेना मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, ये भी देख लीजिएगा जी। सवाल देख लीजिएगा, मैं कोई वो थोड़ा हूं, मैं भी तो गलत कर सकता हूं जी, क्या कह रहे हैं? तभी तो आपका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। अगर ये क्या लिख रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर, यानी कि ये बॉल यहां से यहां गई और उसके बाद फिर वापस आई, यहां से यहां तक ये टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में ऊपर जाएगी और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में नीचे आएगी, तभी तो जब थ्रोवर बॉल थ्रो करने वाला ऊपर फेंकेगा तभी तो 6 सेकेंड में उसके पास आएगी। ये आपका जो था ये टोटल टाइम था, दिस इज टोटल टाइम फॉर अप एंड डाउन के लिए था, तभी तो मास्टर ने जैसा पढ़ाया आप लोगों ने हां में हां मिलानी है उसकी। ये देखिए ये हो गया, अब आपका देखो इसका आधा कर लीजिएगा, 3 8 जा जी
24 और 3 9 जा 27 और 2 29। ये देखिए बिल्कुल हाफ कर दो मैंने कहा था, तो 29.4 हो गया। ये आपका देखो दिस इज ये आपका 29.4। खाली ऐसा लग रहा बॉयज तो भात खाने आए भात, बिल्कुल। तो दिस इज 29.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस 9.8 और इंटू अब आपका एच ये हो गया। अब आपका वी स्क्वायर तो ये जीरो का स्क्वायर हो गया था तो ये जीरो तो हो ही जाएगा। इसको अगर आप 29.4 इंटू 29.4 अब पता चला आप इसको मल्टीप्लाई करने लगे आपका टाइम सारा एक्सक्लूड खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस कर दीजिए देखो और 2 इंटू 9.8 ऐसे रख दीजिएगा और इंटू एच। अब आपका देखो ना माइनस में व्हेन इट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो इट्स साइन विल बी चेंज। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता इसको तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। अब आपका वी हैव टू फाइंड आउट एच, एच इज इक्वल टू ये तो ओटी में चला गया माइनस जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इट्स साइन विल बी चेंज। एच इज इक्वल टू आपका देखो ना 29.4 इंटू 29.4 ओवर ये देखो 2 इंटू 99.8। इसको कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से इसको कट कर दीजिएगा 2 1 जा 2 उसके बाद 2 4 जा 8 आपका हो गया देखो और ये आपका ना 7 जा। क्या इसकी टेबल में ये आता है 9.8 की टेबल में ये आता है या इसकी टेबल में ये आता है जरा चेक करिए। तो 29.4 इनटू 14.7 ओवर ये 9.8 डेसिमल से डेसिमल को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि डेसिमल के बाद वन प्लेस है डेसिमल के बाद इसको रहने दीजिए। अब 98 से जरा इसको देखो जब आप कट करेंगे डेसिमल से डेसिमल हट गया देखो इट विल गो आपका 49 टाइम हो गया 2 से कैंसिल कर रहे 2 1 जा आपका देखो 2 4 जा 147 इसका ये 7 से 7 7 जा इससे 7 से 7 2 1 जा और इससे आपका 7 3 जा देखो एच इज इक्वल टू 3 से 3 7 जा 21 3 4 जा 12 14 3 1 जा 3 14.44.1 मीटर। यानी कि जो बॉल आपने यहां से फेंकी ग्राउंड से ये 3 सेकंड में इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44.1 मीटर की हाइट पे जाएगी है, तब उसके बाद नीचे वापस आएगी। ये हो गया। अब आपका देखो ये वाला भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी जी बोलिए। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तीन सेकंड में ये ऊपर जा रही है। आप जरा देखिए जब आपने बॉल को देखिए आपका नवे बॉल को यहां से आपने थ्रो किया तो ये देखो आपका यहां से बता रहा है ये आपका नाव ये ऊपर गई है h इज इक्वल टू 44.1 मीटर हाइट ऊपर गई। इसको जाने में इसको देखो आपका नाव ये क्वेश्चन बता रहा है 3 सेकंड लगा देखो आपका 3 सेकंड इधर यहां देखिए यहां और उसके बाद ये फिर वापस आती है यानी कि 3 सेकंड में नीचे पहुंचेगी तो आपका 4 ये 5 और ये 6 सेकंड में ग्राउंड पहुंचेगी। अब आपका 3 सेकंड में हाइट तो देखो उसकी आपका नाम इतना पहुंच गए। अब 3 प्लस 1 ये 4 सेकंड यानी कि 1 सेकंड में ये आपका देखो ये डाउन वर्ल्ड थी। 3 सेकंड की जर्नी क्रॉस करने के बाद जब ये हाइट 44.1 मीटर पे आपका गई होगी इट हैज टेकन अ लिटिल बिट रेस्ट इसने थोड़ा सा रेस्ट लिया होगा बॉल ने और फिर ये नीचे आ रही है। तो फिर यहां से 3 सेकंड के बाद जैसे ये वाला जो है आपका डाउन वाला में ये 4 सेकंड आपका यहां पे आपने जो निकालना है इसको कि इसकी पोजीशन कितनी रही होगी आपका यहां हाइट आपने निकालनी जी।
अब तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही, डाउनवर्ड आ रही है, तो ग्रेविटी फेवर करेगी। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है, ग्रेविटी फेवर करेगा। जी जब ऊपर से नीचे आ रही, देख लीजिएगा, यहां देख लीजिएगा, फ्रीली फॉलिंग, अभी आपका फ्रीली फॉलिंग, नीचे आपने गया कोई चीज और ये नीचे आ रही, जब फ्रीली फॉलिंग ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आ रही, याद रखिएगा उस समय इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये आपका यू अब आपका जीरो हो जाएगा। जब नीचे आती है यू जीरो होता है, और जब ऊपर जाती है तो वी जीरो। पहले तो भेजे में आपका ये रखना था। अब एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस समय देखो, टाइम टी इज इक्वल टू ये 1 सेकेंड के लिए निकाला। अब इसके कितना पोजिशन क्या रहेगी, पोजिशन का मतलब, पोजीशन का मतलब इसकी हाइट आपको यहां पे ये निकालनी है। खाली फिजिक्स नहीं कि आप पास होने तक इसको करिए सर, जिन बच्चों को निकालना होता ना कंपटीशन, उनके बारे में आप जरा पढ़िएगा, उससे अगर 6 घंटा भी पढ़ रहे होंगे तो उनकी नजर बिल्कुल अपने काम पे ही फोकस कर रहे होंगे। देखिए पहले एक्स पोजीशन निकाल लो। अब मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ये नीचे आ रही है ग्रेविटी, आपका देखो डाउनवर्ड ग्रेविटी फेवर कर रहा है, इसका मतलब अब जो जी की वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए आप ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आप जो है ना, अब आपको मैंने आपको बोला है क्योंकि आप तो एक कान से वॉइस हो, आप कान से एक कान से सुनते हो, दूसरे से आपने निकाल दिया। इसी सवाल को आप गूगल में डालना किसी चैनल पे आज शाम को जाकर के, मैंने एक्सप्रेस बेटर किया है या उन्होंने एक्सप्रेस बेटर किया है, ये आप इसमें देख लीजिएगा। 12 अब आपका देखो इसमें आप क्या करेंगे, अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई। देखिए फर्स्ट भी लगा दिया, थर्ड भी आपने यूज कर दिया, अब आपका देखो ना ये दिस, तो एच इज इक्वल टू आपका देखो दिस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां देखो एच आप निकाल रहे हैं, एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, आपका देखो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी, ड्यूरिंग इट्स डाउन, यहां एक सेकेंड में कितनी हाइट आपका होगा। और वैसे तो तुक्का मारने वाली अगर बात है, आपका 44.1 है, जब 3 सेकेंड में जा रहा है एक सेकेंड में 3 से उसको डिवाइड कर दो, कायदा ये कहता है, कायदा ये कहता है, लेकिन गलती मत कर, कभी कभी आप है मुझे मार मत करेगा, यू यू का मतलब जीरो, टाइम एक सेकेंड के लिए आप निकालेगा प्लस हाफ इंटू ये 9.8 और इंटू टी टाइम एच इज इक्वल जीरो मल्टीप्लाई विद वन, जीरो मल्टीप्लाई विद वन तो ये जीरो हो गया, और प्लस इससे इसको कट कर दीजिए 4.9 हो गया, और इंटू वन का स्क्वायर वन, एच इज इक्वल टू 4.9 मीटर। तो यहां जो फोर्थ सेकेंड होगा, फोर्थ सेकेंड का मतलब जो इसका देख रहे हैं आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड का मतलब यहां गया, यहां की तो जर्नी आपने निकाली थी, ये देखिए अब 1 सेकेंड में नीचे आपका आ रहा है, उस 1 सेकेंड के लिए आपका निकालिए द पोजीशन आफ्टर ए। अब यहां पे क्लियर हो गया होगा द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड मींस, ये देखिए आपका आफ्टर 1 सेकेंड, 3 तो आपका ये चला गया, देखो आपका ना आफ्टर हो गए 1 सेकेंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी, 1 सेकेंड में यहां से यहां आने में उसको कितना कितना टाइम लगेगा, कितनी हाइट तक आएगा या करना ऊपर से 4.9 मीटर की हाइट तक या करना। जी जी कोई बात नहीं, उसको नहीं दीजिए कोई बात नहीं, नोटिस के मैंने कोई मर्डर थोड़ा कर रखा, किसी का जो नोटिस आएगा सारा
चलो ये तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इस समय अगर आपके पेरेंट्स कोई दूसरा है तब तो कोई नहीं, जो पेरेंट्स आपका बेसिकली जो को पता कि मैं वीडियो भी साथ में लेकर के चलता हूँ उनको तो पता होना चाहिए कि मुझे कॉल ही नहीं करें। तो एनीवे द पोजीशन आफ्टर, तो ये आपका सर आपकी समझ में आए हैं समझ श्योर जी, ये समझिए आप ये वाला जो फोर्थ आपका थर्ड पॉइंट है इट्स पोजिशन आफ्टर फोर से, क्योंकि जब ये जर्नी ऊपर नीचे की दोनों की टू एंड फ्रो कर रहा है तब इसको कितना लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है टोटल टाइम फॉर अप एंड डाउन अपना, जिसको टू एंड फ्रो जर्नी कहते हैं। तो इसका मतलब टोटल टाइम आपने जब बॉल ऊपर फेंकी और नीचे आपके हाथ में आने तक हो, इसका मतलब हाफ टाइम ऊपर जाने के लिए आधा टाइम मतलब 3 सेकंड और नीचे के लिए 3 सेकंड, ये सवाल प्लीज डू इट। What is the magnitude of the gravitational force? What is the magnitude of the gravitational force between Earth and 1 kg body? यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी तो अपने आप में खुद अर्थ है लेकिन ये अर्थ, और इसी में एक बॉडी आपकी खड़ी है कोई, या मैं बॉडी इसमें आदमी तो बोला नहीं, तो ये अपना ये बॉडी है अर्थ में अगर देख, ये बॉडी का जो मॉस है मॉस ऑफ बॉडी m2 इसको कर देते हैं ये 1 kg, देखिए यूनिट परफेक्ट नो डाउट। अब आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से वो आप मुझे बताइए। गिवन सबसे पहले देखो मॉस ऑफ ए बॉडी आपका बॉडी m2 इज इक्वल टू मैंने 1 kg किया ये आपका गिवन। दूसरा देखिएगा आपका नाम दिस मास ऑफ एन अर्थ, ये तो आपको लिखा ही नहीं है जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मास ऑफ एन अर्थ m कैपिटल कर दो या m1 कर दो आपकी मर्जी है, आप कैपिटल m करो या m1 करिए आप जो अच्छा लगता है। स्कूल टीचर ये नहीं कह सकता आपका आपने कैपिटल एम क्यों लिखा, या आप इसमें एम ई भी कर सकते हैं मॉस ऑफ अर्थ। तो मॉस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको पता है बेटे, घबराइए जी मॉस ऑफ अर्थ कितना होता है, मैंने तो आप लोगों को आपने तो सवाल किए हुए यार कान के पीछे मारूंगा घुमा करके 6 into 6.4 या 6 into 10 to the power 24 ये केजी, थर्ड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए क्योंकि ये उसी में यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पहले बनाओ ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए जी, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, अगर किलोमीटर में होगी तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर में होगी, ये इधर देखिएगा बेटा अगर किलोमीटर में होगा तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर में होगा, किलोमीटर में आपका देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका 1000 मीटर एंड 1000 मीटर को आप क्या करते हैं 10 into 10 into 10 लिखते हैं 10 10 100 10 जा, आपका यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा होगा एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, आपने दो ही पढ़ा मैं एक और आपको पढ़ा रहा हूँ एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर पी इज इक्वल टू व्हेन द बेसेस आर सेम पावर आर डिफरेंट दे आर एडेड टू ईच अदर। तो देखो इसका मतलब ये जो आप लिख रहे हैं 10 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 देखो तो ये आपका 10 टू द पावर 3 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर होता है, इसलिए अब आपका जब आप इसको किलोमीटर को देखो मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 और किलोमीटर की जगह में आप ये देखो
10 टू द पावर 3 कर देंगे तब जाकर के 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 10 टू द देखो 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 मीटर आता है। याद रहेगा ये क्वेश्चन। देखो अब आप अगर अपने स्कूल टीचर को ये क्वेश्चन देंगे तो वो आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ क्या होता है ये भी आपको याद। और इसमें एक चीज जो आपका गिवन में मैं और ऐड कर रहा हूं वो आपका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी होता है, इसके वाले 6.67 6.6 भी लिखते हैं लोग 6.7 भी लिखते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहां, देखिए यहां पे सिर्फ ये दिया था बस वन के। और अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता तो आपको देखो आपने छोड़ के आना था इसको, ऑब्वियसली था वो डिटेल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तभी मैंने कहा मैं जिन क्वेश्चंस को कर रहा हूं आप इतना मेरे को लाइक करो ना करो, मुझे शेयर करो ना करो, मुझे कमेंट्स दो ना, वो तो मैं देख ही रहा हूं आजकल आप लोगों के हाल देख रहा हूं रोज बोलो, लेकिन कम से कम इस सवाल को जब आप किसी दूसरे चैनल पे आप डालो क्या इस ये इंफॉर्मेशन के साथ ये काम कर रहे हैं ये आप जरूर देख लीजिए। मैं इतना जरूर कहता हूं बाकी की ये हो गया। इसके बाद देखो सिर्फ ये दिया था, देखिए उस क्वेश्चन ये 3 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद फाइंड आउट करना, क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो एफ आपने निकाला, ये देखो अब फर्स्ट गिवन। अब आप आपके जो मैंने क्या कहा फिजिक्स में क्या करते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पहले आप गिवन देखते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं जो आपको फाइंड आउट करना है। अगर जैसे ये 3 चीजें मिसिंग थी तो ये आप अपने स्कूल टीचर को डिमांड नहीं करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए कायदे के साथ। इसके बाद हाँ देखिए बात रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई जी रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई देख करके मत बोलिए फिर बाय क्या लिखते हैं इसको इस फॉर्मूले को लिखते क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू ये देखिए जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू ये मास ऑफ बॉडी ओवर ये देखो आर स्क्वायर। एक्चुअल में ये फॉर्मूला जब आप इसको सॉल्व करते हैं बुक में या अपनी नोटबुक में तो वहां दिया हुआ एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट M2 इज द मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट which are kept at a distance of r from their centers, g is a gravitation. इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप इसको बिल्कुल देखेंगे, f is directly proportional to the product of the mass of the two bodies, and f is inversely proportional to the squares of the distance between their centers. उनको हटाने के लिए तब इसका अब आप देखो ये कायदे से न्यूटन सर का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप कर रहे हैं देखो ये बॉडी वन है बॉडी फर्स्ट या बॉडी वन और ये देखो ये बॉडी टू है बॉडी सेकेंड इन दोनों का सेंटर इसका ओ है और इसका ओ डैश है इन दोनों के बीच का जो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज दैट इज टेकन इज देखो आर क्लियर हो गया ना देखो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास M1 इज इक्वल टू ये आपका ई मास ऑफ फर्स्ट बॉडी
इसको आपका एम वन के सी कर दीजिए, मॉस ऑफ सेकेंड बॉडी या पहले एम टू के। तो न्यूटन सर ने जो ये फॉर्मूला बनाया, देखो आप ना, इन्होंने कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मॉसेस ऑफ द टू बॉडीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला, दूसरा उन्होंने कहा था, सॉरी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब वन अपॉन हो जाता है, जिसको आप रेसिप्रोकल कहते हैं, तो वन अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इनवर्सली हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वन अपॉन आता है, और डायरेक्टली में आपका देखो डायरेक्ट आता है। अब दोनों में बात क्या है, इसमें क्या मॉस बढ़ेगा, देखिए डायरेक्टली में क्या होगा, इफ वन विल वन 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 आर्टिकल या वन कंटेंट विल बी इंक्रीज, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अगर ये कंटेंट आपका इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज, यानी कि ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये हाफ होगा तो ये भी हाफ। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जिसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसमें एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यानी अगर इसको रेडियस बिटवीन इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर आप डबल करेंगे, डबल करेंगे तो ये आपका 1/4 टाइम हो जाएगा, और अगर आप इसको हाफ करेंगे इनके बीच की तो ये आपका 4 टाइम हो जाएगा। समझ रहे, इनवर्सली में एक घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसमें ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी। इज इट क्लियर, डायरेक्टली में और इनवर्सली में आपको पता लग गया, इनको तो मैंने पढ़ाया। अब दोनों को मर्ज कर दीजिए, मेन मर्ज, ये आपका वर्ड स्टार, एक पहले आपकी लैंग्वेज होती थी कंप्यूटर में, उसमें मेल मर्जिंग सिखाई जाती थी, यहां तो आप इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को इक्वलाइज कर देंगे। तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 over r2, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इस साइन को हटाने के लिए न्यूटन सर ने क्या किया, उन्होंने इसको हटाने के लिए इक्वल का साइन लगा के इसकी जगह में उन्होंने g एक कांस्टेंट रखा, और उसके बाद g into m1 m2 over r2, इन्हीं को उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा, जिसकी वैल्यू उन्होंने आपका 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपको क्लियर होगा। अब यहां पे अर्थ में ही एक बॉडी है जिसका मास आपका 1 kg है, इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ कितना लगेगा वो आपका पूछ रहा है। फ्रॉम द सेम फॉर्मूला मैंने यहां इसको लिखा, इज इट क्लियर फाइन। तो अब देखिए एफ इज इक्वल टू जी की वैल्यू देखिए 6.67 × 10⁻¹⁻ एम ई मॉस ऑफ अर्थ कितना है, मॉस ऑफ अर्थ स्क्वायर आपका 6 इंटू मैंने फिगर राउंड में ले लिया 10⁻²⁴ इंटू मॉस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल 1 kg दैट्स वेरी फाइन ओवर आर रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶ का। देखिए मैथ को मजाक मत समझिएगा, याद रखिए। अब देखो 6.67 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए, 6 × 6 = 36 आपका 6 और आपका 6 42 तो 40.02 आपका, और 6.8 ये इसका मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए इसको मैं पहले आपको डिक्टेट कर दूं, 24 में आपका 10⁻¹⁻ हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, ये फॉर्मूला देखो x^m (x^n) = x^m+n आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला यूज हुआ आपका देखो ना, x^m पहले x^n रहा होगा, तो x^m (x^n) तब जाकर के x^m-n, जो सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, दिस इज, इसीलिए 24 में से 11 आपका चला गया। इज इट क्लियर, आपके सामने कौन सा लॉ है एक्सपोनेंट का देखिए। अब इसका मतलब 6.4 का भी स्क्वायर है और 10⁶ का भी स्क्वायर है, तो 6.4 का स्क्वायर का मतलब
यू हैव टू राइट दिस 6.4 टू टाइम्स और 10 टू द पावर 6 का पावर इज 6 इनटू 2 क्यों थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर हैज ए पावर दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर अब आकर f इज इक्वल टू सॉरी 40.02 इनटू 10 24 में से 11 जाएगा 30 ओवर 6.4 को 6.4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आता है 40.96 और 6 टू द 12 10 टू द पावर देखो 12 देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है अब आपका देखो नाउ f इज इक्वल टू देखिए आपका नाम ये देखिए यहां देखिए क्या पोजीशन है यहां देखिए यहां डेसिमल के बाद टू प्लेसेस डेसिमल के बाद क्योंकि 6.4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 6.4096 आया डेसिमल के बाद दो प्लेस 1 एंड 1 2 तो डेसिमल के बाद टू प्लेसेस पे आपका ये लग जाएगा हमें 6.4 और 6.4 को मल्टीप्लाई करके आते हैं जी तुम्हारी सास को लेगा तुम्हारा नालायक ससुर 6 6 36 यही हो रहा है तो फिर इतना तो दिमाग का यूज करो इन्हीं दोनों फिगर को आप 6 6 36 36 36 में 4 यहां भी ऐड कर देते तो भी 40 हो जाता आपका देखो अभी हो गया अब यहां देखे डेसिमल के बाद देखो ये भी हट गया तो देखो दिस ये अब आपका ऐसे हो गया देखो और ये 40.9 डेसिमल के बाद टू प्लेसेस तो दोनों अब आपका देखो ये देखो 10 टू द पावर 13 है ये जब ऊपर जाएगी आपका देखो 10 टू द पावर -12 हो जाएगी देखो ये इस वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर एम ओवर एक्स की पावर एन पहले आप ऐसे लिखते हो फिर ये अब आप करो एफ इज इक्वल टू 4002 इंटू 10 टू द 13 -12 ओवर ये आप करो 4096 13 में से 12 गया 10 तो देखो 4002 इंटू देखो 10 आ गया ये देखिए ओवर दिस 4096 देखिए अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इज इक्वल मैंने अभी अभी 9th 10th में अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे को करूं इसको मल्टीप्लाई करूं 4002 इंटू 10 000 ऐसे अरे जब ये जीरो सीधा इसी के पीछे लगा दो तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या ऐसे भी महान भाव हैं और उन महान भावों के जब आप नंबर देखते हैं ना बोर्ड में तो कभी कभी 80-85% होते हैं तो 4020 ओवर ये देखो ओवर दिस इज 4096 ये देखिए सीधा सीधा पता लग रहा है कि 4096 के टेबल में ये लगभग लगभग 9 times जाता है क्योंकि 4096 टेंजा 4096 होता है इसका मतलब ये आपका लगभग 9.6 का एक बढ़ा के 7 और 4 और 4 8 8 का भी एक माइनस कर दीजिएगा 7 तो आपका देखो ना इतना दीजिएगा तो यानी कि अर्थ और जो अर्थ में रखा हुआ ऑब्जेक्ट विच हैज द वेट 1 kg हैज द मैग्निट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ योर 9.77 न्यूटन का दोनों में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अब आपको मैंने बोला इस सवाल को आज आप दूसरे चैनल में जा करके जरूर देखिएगा ये मैंने किया हुआ मेरा प्रूफ तो आपको इसमें मिल जाएगा लेकिन उनका प्रूफ आप देख लीजिएगा कैसे करना प्लीज डू इट बिडे
क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बोल दिया कि बिल्कुल प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखिए,